गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम किसी सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेशन मान कैसे निकालना है अवकलन का उपयोग करते हुए, इसको देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, यहाँ पर कुछ इसके फंडामेंटल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एक्स में होने वाली अल्प वृद्धि को डेल्टा एक्स जो होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, अल्प वृद्धि को प्रेजेंट करता है। इसी प्रकार डेल्टा एक्स के संगत वाई में वृद्धि, डेल्टा एक्स के संगत वाई में वृद्धि को हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे कि डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और डेल्टा वाई जो है एक्चुअली डीवाई इक्वल टू डीवाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो dy और डेल्टा वाई सेम वैल्यू है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें, इनके हमको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब हमको इस रूट 25.3 का सन्निकट, सन्निकट मतलब होता है लगभग मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का, फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमने y इक्वल टू रूट एक्स लिया है। क्लियर? और x इक्वल टू यदि आपने यहाँ पर 25 लिया है और डेल्टा x इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो डेल्टा y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। तो यह कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स कितना है 25.3 और माइनस एफ 25। तो हम यहां देखते हैं कि आपका एफ 25.3 ये कितना होता है रूट 25.3, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके, इसको पक्षांतर करेंगे डेल्टा वाई प्लस एफ 25। तो डेल्टा वाई कितना होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स और ये कितना हो जाएगा आपका रूट 25। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और डेल्टा एक्स कितना है आपका 0.3 और प्लस रूट 25 होता है 5। यहां पर आप रूट एक्स की वैल्यू रख दीजिए 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स कितना है 25.3 प्लस 5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां आ जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5.03 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहां पर यदि हमने x इक्वल टू 2 लिया और डेल्टा x इक्वल टू 0.01 लिया तो हम यहां पर f x प्लस डेल्टा x
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स, क्लियर। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा वाई हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स। इसको आप सिंपल कर लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा आपका, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 एट एक्स प्लस 5, और डेल्टा एक्स कितना है आपका 0.01 प्लस एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए आपको एक्स की वैल्यू 2 रख के इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। इसको आप सिंपल कर लीजिए तो यहां पर आपको एक्स की वैल्यू रखना है 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5 21, और 21 का 1 में मल्टीप्लाई किया 21.21 आ जाएगा, क्लियर, 0.21 प्लस। इसको सिंपल करिए तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 16 प्लस 10 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 18 28.21, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि करने पर घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। तो आपका वॉल्यूम जो होता है वो होता है एक्स क्यूब, क्लियर। तो हम यहां पर देखते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू आपका एफ एक्स है, तो वॉल्यूम में परिवर्तन डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स कितना है 3x2। यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो एक्स, 1% की वृद्धि है ना, एक्स में 1% वृद्धि है, तो यह हो जाएगा 3x2 और डेल्टा है आपका 0.0 इंटू एक्स। तो यहां पर हम तो ये हो जाएगा आपका 0.03x³, ये आपके वॉल्यूम की वृद्धि हो गई, ओके, ठीक है।